क्वेश्चन नाइन का ये पार्ट है हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मालिकुलर फार्मूला सी फोर एच एट ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अ ब्रांच जो चैन आइसोमर तो देखिए इसमें सबसे पहले इसके आंसर में आपको इस प्रकार का एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन की बैलेंसी फोर होती है तो देखिए यहाँ पे सारे कार्बन जो है ना वो चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं जैसे ये वाला कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस कार्बन के साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन के साथ में शेयर कर रहा है वैसी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहा है और इसका इससे शेयर हो रहा है तो इस डायग्राम को अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा और हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयर कर रहा है और सारे कार्बन जो है ना टोटल फोर नंबर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा अब चलिए इसके आंसर से देखते हैं तो आइसोमर्स आर सारा ऑफ़ द सेम फार्मूला बट हैविंग अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स तो आइसोमर क्या होते हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनके जो अरेंजमेंट होते हैं एटम के अलग अलग होते हैं फोर आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड सी फोर एच एट दे आर फॉलोइंग तो चार आइसोमर जो है ना पॉसिबल हैं जो कम्पाउंड यहाँ पर पूछा है सी फोर एच एट या ब्यूटीन जो है उसका यहाँ पर देखिए मैंने इसको बनाया हुआ है आपको इसको कापी पर बनाना है जियोमेट्रिक एसोमर्स ब्यूटीन पहला है वन ब्यूटीन या यह ब्यूटलिन यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे दो कार्बन जो है ना दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है और यहाँ से ब्रांच बन के सी एच टू सी एच थ्री हुआ है उसके बाद सीस टू ब्यूटीन या सीस ब्यूटलिन जिसको बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है फिर थर्ड है ट्रांस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर और फोर्थ है टू मेथिल प्रोपिन या आइसोब्यूटिलिन इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन का भी पार्ट है हाउ विल यू प्रूव दैट सी फोर एच एट एंड सी फाइव एच टेन आर होमोलोगस तो देखिए इसमें प्रूव करने को बोल रहा है बेसिकली होमोलोगस सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जो ब्यूटीन है और जो पेंटिन है वो होमोलोगस होते हैं उसको हम लोग को प्रूव करना है तो आंसर होगा अब होमोलोगस सीरीज इज अ सिक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन विच द मेम्बर्स ऑफ द सीरीज कैन बी ब्रांड आर अनब्रांड आर डिफर बाई सी एच टू तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है एक सिक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ना सेम होता है जिनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वो एक डेफिनेट मालिकुलर फार्मूला से वो एक दूसरे से अलग होते हैं जैसे इसमें डिफर कर रहे हैं सी एच टू से ठीक है उसके बाद सी फोर एच एट एंड सी फाइव एच टेन आर होमोलोगस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स ये जो सी फोरेचेट है ब्यूटीन है और पेंटिन है ये दोनों होमोलोगस हैं उसके रीजन्स इस प्रकार से हैं फर्स्ट है दे डिफर बाई सी एच टू ये डिफर करते हैं सी एच टू से सेकेंड है दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बोथ आर एल्किन्स और इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है क्योंकि दोनों एल्किन हैं